स्टूडेंट्स हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट क्रिस्टल्स या कोवेलेंट सॉलिड्स। ठीक है, कोवेलेंट सॉलिड्स हमने क्या देखा था, अगर हम थोड़ा सा रिकॉल कर लें, हम देख लेते हैं कि कोवेलेंट सॉलिड्स क्या थे। कोवेलेंट सॉलिड्स हमने कहा था ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग आ जाती है। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इसलिए हमने इनको कोवेलेंट क्रिस्टल्स भी चले कह दिया। तो कोवेलेंट सॉलिड्स इनको हमने ये भी कहा कि ये एटॉमिक सॉलिड्स होते हैं क्योंकि ये एटम्स के हम देखते हैं कि एटम्स जो है वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं और उससे ये हमारे पास आते हैं ये वाले सॉलिड्स। ठीक है, और दूसरा ये हमने देखा था कि ये नेटवर्क्स ऑफ एटम्स होते हैं, जिस तरह से हमने डायमंड में देखा था, जिस तरह से हमने ग्रेफाइट में देखा था, कि ये हमारे पास क्या होते हैं, इस तरह से हमारे पास क्या जाते हैं, कोवेलेंट सॉलिड्स या नेटवर्क सॉलिड्स या फिर हम कहते हैं इनको एटॉमिक सॉलिड्स। अच्छा, सबसे पहला जो यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज में से देखें तो ये देखें ये क्या है, इसमें हम देख रहे हैं डायमंड का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ग्रेफाइट का प्रॉपर स्ट्रक्चर है, इवन सिलिकॉन कार्बाइड या बोरॉन नाइट्राइड इनके भी क्या है प्रॉपर स्ट्रक्चर्स है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है कि इनके क्योंकि एक तो ये कि ये क्रिस्टल्स होंगे कोवेलेंट क्रिस्टल्स, तो इनके हमारे पास क्या आ जाएंगे, डेफिनेट ज्योमेट्री आ जाएगी, ये डेफिनेट पैटर्न आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहते हैं कि पहला पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पर आ गया वो क्या होगा कि इनकी क्या होता है, डेफिनेट पैटर्न होता है और थ्री डायमेंशनल हमारे पास का पैटर्न आ जाता है। ठीक है, डेफिनेट पैटर्न और वो क्या होता है थ्री डायमेंशनल, यानी कि तीनों एक्सेस पे ये हम देखते हैं XYZ तीनों प्लेन्स पे ये क्या कर रहा होता है, ये ग्रो कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास अगर इनको हम कंपेयर करें आयनिक सॉलिड से, हमने आयनिक सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था, जिस तरह से हम एग्जांपल लेंगे सोडियम क्लोराइड की NaCl, इसमें हमने कहा था कि हमारे पास सोडियम पे शार्प पॉजिटिव साइन है या फ्लैट पॉजिटिव साइन है। ठीक है, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दे ही दिया। ठीक है, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, वही इलेक्ट्रॉन बजाय से कि पार्शियल पॉजिटिव होता कंप्लीट पॉजिटिव या कंप्लीट नेगेटिव चार्जेस हैं, तो सोडियम पे कंप्लीट पॉजिटिव और क्लोरीन पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, इस तरह सोडियम क्लोराइड बना है। इस वजह से हम देखते हैं कि इनके अंदर बहुत क्लोज, इनके अंदर क्या है हम देखते हैं कि ये बहुत क्लोज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक नेगेटिव चार्ज के बिल्कुल क्लोज होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम देखते हैं कि स्लाइट डिफरेंस हो, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव में, यानी थोड़ा थोड़ा यानी कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव चार्जेस ना हो, तो उनमें इतनी ज्यादा हम देखेंगे कि क्या है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो है वो उनमें नहीं होगी जिनमें इनकम्प्लीट बॉन्डिंग हो, सॉरी इनकम्प्लीट अट्रैक्शन होगी। ठीक है, या इनकम्प्लीट चार्ज होगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास यहाँ क्या आ जाता है कि कोवेलेंट क्रिस्टल्स में या कोवेलेंट सॉलिड्स में हमारे पास क्योंकि शेयरिंग वाला बॉन्ड है, हम कह रहे हैं कि एक दूसरे को देने और दिलाने वाला नहीं है बल्कि शेयर करने वाला है। ठीक है, यानी कि जिस तरह यहाँ हम देखा दे दिया, बिल्कुल दे दिया और उसने ले लिया, तो वो वाला यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर नहीं होता कोवेलेंट सॉलिड्स में, बल्कि यहाँ क्या होता है क्योंकि शेयरिंग हो रही होती है, इस वजह से एटम्स जो होते हैं वो एज कंपेयर टू आयनिक सॉलिड्स इतने ज्यादा हम कहते हैं कि बिल्कुल अटैच नहीं होते, बिल्कुल हाईली बाउंड नहीं हुए होते एक दूसरे के साथ। ठीक है, टाइटली बाउंड हम कहेंगे नहीं हुए होते, तो यहाँ पर हम कहते हैं शेयरिंग के बॉन्ड की वजह से, यानी कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से हमारे पास क्या रिलेटिवली लूजर, हम कहते हैं कि हमारे पास क्या आ जाता है, रिलेटिवली लूजर बॉन्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, और जब लूजर बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, तो हम कहते हैं यानी कि इतने टाइट बाउंड नहीं है, तो थोड़े से लूज है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास जो सॉलिड्स होते हैं इनमें गैप्स आ जाते हैं, हमारे पास स्पेसिंग होती है। ठीक है, जिस तरह से अगर हम पीछे दोबारा से देखें तो देखिए यहाँ पर हमारे पास स्पेसिंग है, यहाँ पे स्पेसिंग है। ठीक है, इन एटम्स के दरमियान, तो स्पेसिंग की वजह से हम कहते हैं कि इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, बेशक ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं और इनकी डेफिनेट पैटर्न है, इसकी वजह से इनकी शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि इनके आयनिक सॉलिड्स के मुकाबले में इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होते हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर क्योंकि जो शेयरिंग बॉन्ड है यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड है, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है वो स्टिल हाई होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट के लिए MPT लिखा हमने और बॉइलिंग पॉइंट के लिए BBT लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये शार्प हैं और ये हाई होते हैं। ठीक है, लेकिन ये अगर हम आयनिक सॉलिड्स के मुकाबले में देखें तो ये इतने हमारे पास हाई नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इनके एक और पॉइंट देख लिया। इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज अगर देखें तो इनके अंदर क्या है, एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है उसको तोड़ना होता है। ठीक है, जिस तरह से चले यहाँ पे हम डायमंड की ही मिसाल ले लेते हैं कि अगर इनके ब्रेक करना है तब भी हमें क्या करना है, ये वाला बॉन्ड तोड़ना है। एटम्स के आपस में दरमियान जो बॉन्ड है, यानी कि एक ये प्राइमरी बॉन्ड है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी कि एटम्स के दरमियान आपस में डायरेक्ट आ रहे हैं, किसी एक यूनिट के दरमियान नहीं आ रहा कि, यानी कि अगर फर्ज करें यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, ये जो हमने बॉक्स बनाया, फर्ज करें एक मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो इनके दरमियान कोई सेकेंडरी बॉन्डिंग नहीं आ रही, बल्कि दो एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग आ रही है एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो यानी प्राइमरी बॉन्डिंग है। तो हम ये कहते हैं कि इसको, इनके दरमियान जो ये बॉन्ड है इसको तोड़ना है, तो इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और जो एनर्जी होती है बहुत ज्यादा चाहिए होती है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें इन टर्न हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा कि हम इसको मेल्ट करें, ठीक है। तो इस वजह से इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं और इन टर्न हाई ही इनके बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने ये भी देख लिया, और देखिए नेटवर्क्स हैं, ये भी हमने देखा, ठीक है। तो ये नेटवर्किंग की वजह से, डेफिनेट पैटर्न होने की वजह से, और फिर उसके अलावा हमने क्या देखा कि हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, या हमने ये देखा कि इनके अंदर इनके जो बॉन्ड्स तोड़ने पड़ते हैं कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स आ जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये हमारे पास ब्रिटल होते हैं और ये हार्ड होते हैं, ठीक है। हम यहाँ देखेंगे ब्रिटल होते हैं एंड क्या होते हैं, ये हार्ड होते हैं। इसकी मिसाल हम क्या लेंगे, डायमंड इसकी बेहतरीन मिसाल है किस तरह से, कि जो डायमंड होता है इसको अगर हम देखें तो ये हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है, यानी कि अब तक जितने भी सब्सटेंसेस हमें पता मालूम है उनके उनमें हमारे पास डायमंड जो है वो सबसे ज्यादा हार्ड है, ठीक है। किस तरह से कि हमने एक स्केल ऑफ हार्डनेस बनाया जिसको हम कहते हैं मोहस स्केल ऑफ हार्डनेस, ठीक है, मोहस स्केल ऑफ हार्डनेस। इसके अकॉर्डिंग सब्सटेंसेस को पॉइंट्स दिए जाते हैं कि 0 to 1 या 1 to 10 जो है वो पॉइंट्स दिए जाते हैं कि वो कितने हार्ड हैं, या हम 0 to 10 देख लेते हैं कितने हार्ड हैं। उसमें से डायमंड को देखें तो डायमंड को हाईएस्ट नंबर, इसमें हाईएस्ट पॉइंट दिया हुआ और वो है 10 का, ठीक है। तो यानी कि हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस क्या है, डायमंड। और देखिए किस वजह से है, नेटवर्किंग ऑफ एटम्स आ जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं डायमंड बहुत ब्रिटल है या हार्ड है, यानी अपनी शेप चेंज नहीं करेगा बल्कि डायरेक्ट टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको तोड़ना इतना मुश्किल होता है, ये बहुत हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं और डायमंड हार्डेस्ट आ गया। फिर ये कि हमारे पास, अब देखिए फिर से हम ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पर होता यह है कि कोवेलेंट सॉलिड्स के अंदर ये डिपेंड करता है कि ये कंडक्शन शो करेंगे या नहीं करेंगे। अब अगर डायमंड में देखें तो सारे कार्बन जो है वो, अब जिस तरह यहाँ पर हमने देखा था कि इनमें से किसी का इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, सब ने अपने जो है वो बॉन्ड्स बनाए हुए, ठीक है। बेशक कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, शेयरिंग के बॉन्ड्स हैं, लेकिन ये कि इन्होंने अपने अपने बॉन्ड्स बनाए हुए, सब के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बिजी हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स बिजी हैं, वो कोई अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या देख रहे हैं, डायमंड क्या है हमारे पास, पुअर कंडक्टर है, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पर, लेकिन अगर ग्रेफाइट की बात करें ऑन द अदर हैंड, तो देखिए इसमें क्या है, इन्होंने अपने एक इलेक्ट्रॉन को फ्री छोड़ा हुआ है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर आ गए, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए जिनका कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है, बीच में फ्री मौजूद है। तो ये जब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इनको यहाँ पे हम पोटेंशियल प्रोवाइड करें, ठीक है, यानी कि एक पॉजिटिव टर्मिनल हो, नेगेटिव टर्मिनल हो, तो ये मूव करना शुरू कर देंगे, यानी कि हम कहेंगे कि ग्रेफाइट की लेयर्स में से हमारे पास क्या हो रही है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, ठीक है। हम कहेंगे ग्रेफाइट में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, तो हम कहते हैं कि ग्रेफाइट हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टर आ गया। लेकिन अगर हम डायमंड की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जीरो है, बिल्कुल भी इसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती, किस वजह से, क्योंकि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन भी जो है वो हमारे पास फ्री नहीं आ जाता, ठीक है। इस तरह से ये भी हमने देख लिया कि ये डिपेंड करता है कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेंगे कि नहीं करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास एक और यहाँ पे आ जाता है, सॉलिबिलिटी की बात आ जाती है, ठीक है। सॉलिबिलिटी की बात करेंगे, सॉलिबिलिटी हमारे पास क्या होती है कि एक्चुअली ये जाइंट मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, नेटवर्क ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, तो इनकी सॉलिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती। स्पेशली अगर हम पोलर सॉल्वेंट्स में देखें तो पोलर सॉल्वेंट्स जिनके अंदर हम देखते हैं पोल्स बने हुए होते हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इसकी एक मिसाल हमारे पास आ जाएगी वाटर की, ठीक है। तो इनके अंदर तो ये बिल्कुल भी सॉलेबल नहीं होते, ठीक है। कुछ हमारे पास जो है कोवेलेंट सॉलिड ऐसे आ जाते हैं जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हमारे पास सॉलेबल होते हैं, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जिस तरह से बेंजीन आ गया, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, बेंजीन हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ज्यादातर में ऐसा होता है कि वो सॉलेबल नहीं होते, किस वजह से, चले हम फिर से ऊपर चलते हैं। फिर से हम ये देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर इनके देखें इतने जाइंट स्ट्रक्चर्स हैं, तो सॉल्वेंट को क्या करना पड़ता है, लार्ज मॉलिक्यूल को सॉल्वेट करने के लिए, ठीक है, यानी कि अपने अंदर हल करने के लिए क्या करना पड़ता है कि वो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। अब देखिए नेटवर्क्स ही हमारे पास आ रहे हैं ना, पूरे पूरे जॉइंट मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो एक सॉल्वेंट के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो क्या करे, इसको सॉल्वेट करे या अपने अंदर हल करे, तो वो मुश्किल हो जाता है। इस वजह से हम देखते हैं कि जनरली जब हम बात करते हैं तो सॉलिबिलिटी क्या होती है, पोलर सॉल्वेंट्स हो या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हो, उनमें इनकी कम होती है। पोलर सॉल्वेंट्स में बिल्कुल ही नहीं होती और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में बहुत कम होती है, इसलिए सॉलिबिलिटी अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, डायमंड की बात करें और सिलिकॉन कार्बाइड की बात करें, ठीक है। चले यहाँ पर हम लिख देते हैं कि डायमंड और हमारे पास कौन से सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। इनकी अगर हम बात करें तो ये दोनों क्या है, ये तो टोटली किसी भी चीज में सॉल्युबल नहीं होते। ऑन दी अदर हैंड अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट हमारे पास जो है क्या होता है कि वो मोल्टेन निकल के अंदर ये सॉल्युबल होता है, लेकिन वो भी देखें कि हमारे पास एक रेगुलर या एक नॉर्मल हमारे पास सॉल्वेंट नहीं है वो, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज देखी। और यहाँ पर एक और चीज हम साथ के साथ यहाँ डिस्कस करते चलें कि ये रिएक्शंस जो है वो बहुत कम देते हैं या रिएक्शंस जो है ये देते ही नहीं, ठीक है। तो अगर रिएक्शंस की बात की जाए, केमिकल रिएक्शंस की, तो डायमंड जो है जब हमारे पास सॉल्युबल भी नहीं है और ये किसी के साथ रिएक्शंस इस तरह से इतने आराम से शो नहीं करता। इसी तरह ग्रेफाइट हमारे पास इनर्ट है, ठीक है। तो ये अगर रिएक्शंस की बात की जाए तो ये क्या होता है, इनके स्लो होते हैं और इनमें जनरली हमने देखा कि रिएक्शंस पॉसिबल होते ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास कोवेलेंट सॉलिड्स की ऐसी टाइप आ गई जिसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शंस बहुत स्लो होते हैं बल्कि होते ही नहीं है, ठीक है। या मुझे सर हमने डायमंड और ग्रेफाइट में देखा कि ये इनर्ट है। दूसरा ये कि हमने यहाँ पर देखा कि सॉलिबिलिटी, इनकी सॉलिबिलिटी जो है वो ना होने के बराबर होती है, क्योंकि ये जाइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉल्वेंट के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो उनको अपने अंदर डिसॉल्व करे या इनको सॉल्वेट करे। फिर हमने ये भी देखा कि इनके अंदर डेफिनेट पैटर्न होता है, 3 डायमेंशनल इनके पैटर्न्स आ जाते हैं, ग्रो करते हैं उस तरह से ये, ठीक है। और लेकिन हमने देखा कि इनके अंदर शेयरिंग बॉन्ड होता है, यानी कि बिल्कुल आयनिक बॉन्ड्स की तरह बिल्कुल ही टोटली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो स्ट्रॉन्ग किस्म की, तो उससे थोड़ी सी कम होती है, इसलिए इनके इसलिए ये थोड़े से लूजर तो होते हैं, यानी कि लूज हुए होते हैं, यानी कि इनके बॉन्ड्स होते हैं अब इट लूजर होते हैं एज कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड्स। लेकिन ये हम देखते हैं कि फिर भी इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं, किस वजह से, क्योंकि इनके दरमियान एटॉमिक बॉन्डिंग्स होती हैं, सॉरी एटम्स के दरमियान जो है वो बॉन्डिंग्स होती हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है वो एटम्स के दरमियान होते हैं जिनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इस वजह से हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। एंड इवन ये ब्रिटल होते हैं कि ये रिफॉर्म नहीं होते, अपनी शेप चेंज नहीं करते, बल्कि ये डायरेक्ट टूट जाते हैं। लेकिन अगर डायमंड की बात की जाए तो ये इतना हार्ड होता है कि इस हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है अब तक, इतने इसकी हार्डनेस से इतना कोई सब्सटेंस नहीं है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज देखी कोवेलेंट क्रिस्टल्स की या कोवेलेंट सॉलिड्स की।